लाइन में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम यूपी पैट 2023 के एडमिट कार्ड के डाउनलोड के प्रोसेस के बारे में। दोस्तों यूपी पैट का जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, लिंक एक्टिवेट हो चुका है, बट अभी जो है साइड थोड़ी जो है बिजी चल रही है, तो आपको जो है रात में ट्राई करना है, आपका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगा। कैसे डाउनलोड करना है हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच करना जब भी आपको पता चल पाएगा कैसे आपको डाउनलोड करना है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, क्योंकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। और दोस्तों जितना हो सके अपने भाई को सपोर्ट दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं फिर आपको बताते हैं कैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं यूपी पैट का। दोस्तों सरकार रिजल्ट की वेबसाइट पर आना है, इसका लिंक वीडियो के नीचे मिलेगा, आपको डायरेक्ट आ जाएगी। आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूपी SSC PET 2023 एडमिट कार्ड, तो क्या करेंगे आप इसी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। एडमिट जो आपकी एग्जाम डेट दे रखी है वो दोस्तों 28 से 29 अक्टूबर में आपकी एग्जाम डेट दे रखी है। ठीक है दोस्तों, कैसे डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड, यहाँ पे दो सर्वर दे रखे हैं, देख सकते हैं आपके दो सर्वर हैं, इनमें से आप कोई से पे भी क्लिक करोगे ना, उसमें आप जो है यहाँ पे जो है क्लिक करके देखने लगा क्या, तो फिर सर्वर 1 या सर्वर 2, इनमें से दोनों सर्वर पे आप देख लेना। जैसे मैं सर्वर 1 पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं मेरे यहाँ पे ये अभी गोल गोल घूम रहा है, तो मैं यहाँ दूसरा वाला ओपन करके देखते हो। तो दूसरा वाला ओपन करने बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। दूसरा ओपन करने बाद तो यहाँ पे आपको ये वाले पे क्लिक करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड फॉर, इस वाले क्लिप पे इस पे क्लिक करेंगे आप तो देख सकते हैं इस तरह का कुछ एरर आ जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे रिफ्रेश करोगे आप, ये आपको रिफ्रेश करना है जब तक आपका यहाँ पे जो है एक लिंक खुल ना जाए। ठीक है दोस्तों, बार बार आपको ट्राई करना है, ये नहीं कि एक बार दिखा दिया तो आप छोड़ इसे कट कर दोगे, कट नहीं करना है। यहाँ से आपको क्या है रिफ्रेश करना है दोबारा से, मतलब ओपन करना है इसे। अभी दोस्तों मैं बता देता हूँ, जब आप इस जब मान लिया इस तरह का जैसे आप कर लोगे तो उसके बाद आपको किस तरह का दिखाई देगा, तो दोस्तों कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा जैसे आप वहाँ से जो है हो जाओगे वहाँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपको, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पे अपना जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये वाला कैप्चर, अभी कैप्चर नहीं आ पा रहा है क्योंकि सर्वर की यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, तो सर्वर बिजी है देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे इसे रात में ट्राई करेंगे तो आपका 100% जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप ट्राई करते रहिए, आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ एडमिट कार्ड, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर डाउनलोड कराऊँ मैं एक एडमिट कार्ड, आप भी ट्राई करते रहोगे तो आपका भी 100% जो है डाउनलोड हो जाएगा एडमिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, आपको घबराने वाली बात नहीं है, चिंता वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर जो है ओपन कर पाओगे। देख सकते हैं अभी सर्वर बिल्कुल जा चुका है, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों बिल्कुल सर्वर जा चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल सर्वर जा चुका है इसका, देख सकते हैं कितना बिजी सर्वर चल रहा है अभी इसका। तो डाउनलोड मैं कर चुका हूँ, डाउनलोड आपको दिखा देता हूँ किस तरह का आपको दिख जाएगा जब आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के सबमिट पर क्लिक करोगे। ये आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, ये कुछ इस तरह का एडमिट कार्ड आपका रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम वगैरह, रोल नंबर वगैरह, ये सेंटर का नाम है, कहाँ पे आपका सेंटर है और कब की डेट है ये दे रखी है, और किस टाइम आपका होएगा, कौन सी मीटिंग में, वो यहाँ पे दे रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए और ये आपका एडमिट कार्ड है। फिर आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने बाद यहाँ पर कुछ निर्देश दे रखे हैं, ऐसा आप पढ़ेंगे और यहाँ पर क्या क्या ले जाना है वो समझ लीजिए। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा केंद्र का स्थान, परीक्षा के निर्धारित समय का भलीभांति अवलोकन का तैयार की जाएगा। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको इसमें जो है पेपर करने के लिए। यहाँ पे आप देख जाओगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 10 बजे से लेके 2 बजे तक, इन 10 बजे से 12 बजे तक यहाँ पे पेपर चलेगा इनका, 29 तारीख में पेपर है, देख सकते हैं आप 10 बजे से 12 बजे तक चलेगा पेपर। यहाँ पे आपको एक ID ले जानी है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र या वोटर ID, इनमें से आपको ले जाना है। ठीक है दोस्तों, और ID वही होनी चाहिए जो आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें है, वही डेट ऑफ बर्थ आपकी उसी में होनी चाहिए ID प्रूफ में।
ठीक है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अरे एक आप फोटो कॉपी भी करा लेंगे आईडी प्रूफ की, कभी फोटो कॉपी आपसे मांगी जाए वहाँ, ठीक है दोस्तों। और बाकी आप पेन वगैरह भी ले जाना, ठीक है दोस्तों। ये जो काली हेडिंग पैडिंग में लिख रहा है ना, इसे आप जरूर पढ़िए। वैसे जो एडमिट कार्ड आपका जो ये दे रखा है, पैस तो एक पे चुका है ये, बाकी अगर आपको इसके निर्देश पढ़ रहे हैं तो आप इसे भी निकलवा सकते हैं, नहीं तो आप इसे पीडीएफ बना के अपने पास रख लेंगे और इसे आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद इसका फर्स्ट पेज ही आप निकलवाइए, दो पेज निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख, हम इसे पढ़ के सुना देते हैं आपको। परीक्षा केंद्र केंद्र कोड 5 अंकों का है, जिसमें प्रथम 2 अंक जिला कोड है तथा अंतिम 3 अंक परीक्षा केंद्र कोड है। अंत अभ्यर्थी उत्तर पत्र पर परीक्षा केंद्र का कोड भरते समय इस बात का ध्यान रखते हुए 5 अंकों में परीक्षा केंद्र कोड भरेगा। अभ्यर्थी पूर्व OMR उत्तर पत्र का अपना अनुवरण व पंजीकरण संख्या, परीक्षा केंद्र कोड एवं प्रश्न पुत्रिका क्रमांक, परीक्षा तिथि व पाली आदि सभी का सभी तो के काले पर अथवा गलत भर के, यहाँ पे लिख रहा है काले नीले बॉल पेंट से भरेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है उत्तर के होने हुए काले नीले बॉल से भरेंगे, पेन करेंगे उसकी जांच की जा सकेगी, ठीक है दोस्तों। अभ्यर्थी को AMR के पत्र में निर्धारित स्थान का हिंदी में अपना पूरा नाम लिखेंगे तथा हस्ताक्षर भी करेंगे। तो देख सकते हैं जो भी आपके समझ में ना आए मतलब कि डिटेल, तो आप वहाँ पे जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर रहेगा वहाँ पे आप पूछ लेना जो भी आपके समझ में आए। परीक्षा के दौरान सभी बायोमेट्रिक का डाटा, फोटो एवं आइसक्रीन कैप्चर किया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा जानबूझकर बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर में कराने का अथवा उसके कार्य में असहयोग किए जाने की स्थिति में उसका असमर्थ निरस्त कर दिया जाएगा। बायोमेट्रिक डाटा कैप्चर करने की लगने वाले समय की प्रतिपूर्ति अभ्यर्थी को 5 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। मतलब आपका बायोमेट्रिक वगैरह होएगा, 5 मिनट का टाइम लगेगा, तो अपना टाइम से पहुँचे जो आपका अच्छे से है बायोमेट्रिक वगैरह हो सके, ठीक है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना है। ये तो होगी उसकी बात जिसका एडमिट कार्ड निकल चुका है। मान लिया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर खो चुका है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आपको इस वाली वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर कैसे आओगे? इस पर सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर आओगे, तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाले सेकंड वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट हेल्प डेस्क पे लिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा है ये वाला ऑप्शन, अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर आप रोल नंबर भूल चुके हैं तो इस पर क्लिक करना है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नाम डालना है अपना, और यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालना है, अगर पिताजी है या हस्बैंड है वो उसका नाम डालिए। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है अपनी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपको ये कैप्चर डालना है और सर्च पे क्लिक करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद आप एडमिट कार्ड यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और बाकी अगर रोल नंबर निकालना है तो रोल नंबर के लिए फिर से आपको यहाँ पे जाना है, बीच वाले पे क्लिक करना है, हेल्प डेस्क पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट ये कैप्चर और यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका रोल नंबर दिखा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से भी आप जो है अपना चेक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। निकाल लेना है एडमिट कार्ड, जैसे मैंने प्रोसेस बता दिया। अगर आप पे डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप मेरे द्वारा भी चेक करा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डाउनलोड कैसे कराना है अपना एडमिट कार्ड, वीडियो को नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन करोगे, डायरेक्ट आप मुझे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड आप मुझे सेंड करोगे, उसके बाद आपको मैं टेलीग्राम के द्वारा ही सेंड कर दूंगा आपका जो है एडमिट कार्ड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी विद्यार्थियों के पास शेयर कर दीजिए, जो सभी को पता चल सके कि एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। और दोस्तों चैनल में पहली बार आ रहे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। हो सके तो अपने भाई को सपोर्ट दिखाएं, वो बन के सब्सक्राइबर करा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें, कुछ पूछना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।